अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। दोस्तों आज हमारे पास एक 30 एम्पीयर का बैटरी चार्जर है जो आउटपुट नहीं दे रहा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें FET ट्रांजिस्टर को शार्ट करने से आउटपुट मिल जाता है, वही काम मैंने इस चार्जर पे भी किया हुआ है, फिर भी दोबारा इसका आउटपुट बंद हो गया है। चलिए देखते हैं इस बार क्या मसला है। ये देखें, पावर की LED ऑन है और वोल्ट मीटर लेकर वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज 0 है। इसको ठीक करने के लिए इसको खोलते हैं। खोलने के बाद देख लें कहीं से कुछ जला हुआ तो नहीं। ये देखें, ये यहाँ से स्पार्किंग कर रहा होगा, तो चलिए सर्किट बोर्ड को निकाल कर देखते हैं। ये देखें, ये लाइन यहाँ से जल गई है। मीटर लगाकर चेक करते हैं। ये देखें, ये लाइन आपस में कनेक्ट नहीं है। किसी भी चीज से अच्छी तरह साफ करके उसके बाद सोल्डरिंग कर दें। सोल्डरिंग करने के बाद सीरीज बोर्ड में लगाकर टेस्ट करके देखते हैं कि अब आउटपुट आ रहा है या नहीं। ये देखें, मीटर पर 12 वोल्ट पूरे हैं। अब हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। अक्सर ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट भी होते रहते हैं। इसको वापस फिट कर दें, उसके बाद फाइनल टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, मीटर में वोल्टेज आ रही है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।